भाभी पानी पीजिए। इस तरह तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ। नहीं आप ठीक, आप मुझे फुप्पो बना रही हैं। आपको पता है इस खबर ने मुझे कितना खुश किया है? लेकिन तुम्हारे भाई तो खुश नहीं है, वो तो बिल्कुल ही। बहुत गलत का भाई ने, जो भी कहा बहुत गलत का। हम में से कोई भी उनका साथ नहीं देगा, अब उन्हें बहुत डांटा है उन्हें। पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गई खुशी बाप बेटे को लड़ा के। अम्मी। क्या अम्मी, इसको आए हुए दिन कितने हुए हैं इस घर में, और आते इसने फसाद खड़ा कर दिया, लड़वा दिया बाप बेटे को। भाई की गलती है ना, भाभी को क्यों बातें सुना रही हैं आप? तुम चुप करो। और तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या थी इतनी जल्दी बताओ? अभी स्कूल जाते हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें, पहली तनख्वाह हाथ में लाके नहीं रखी और नए खर्चे की तैयारियां शुरू कर दी तुमने। मेरा बेटा सही कह रहा था कि अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी जॉब नहीं लगी है, और तुम भी अगर बच्चे का बहाना बना के घर में बैठ जाओगी तो तनख्वाह कहां से आएगी, कैसे चलेगा घर? कैसी बातें कर रही हैं ये? अब्बू ने सुनिए तो। सुनने दो उन्हें, उनको जमाने का चलन का पता ही कब है। और तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को उन्होंने घर से निकाला है, तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई है उन दोनों की। अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस ना आया ना, तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ। आप अम्मी और भाई की बातों को दिल पे मत लीजिए प्लीज। कुछ लाऊं खाने के लिए? जो दौलत का नशा होता है ना, इससे बड़ा तो कोई दुनिया में नशा ही नहीं है। हेलो, आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी मैं। कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। दुआ की पुरसुकून जिंदगी में माजी का पहला कंकर मार आई हूं मैं। इतनी बड़ी रकम मैंने तुम्हें कंकर मारने के लिए नहीं दी है, मुझे दिनों में बल्कि घंटों के हिसाब से काम चाहिए, जल्दी हो जाएगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? जब जुनैरा ने आपको ये जबान दे दी कि गजनवी की जिंदगी से दुआ को निकाल लूंगी, तो बस रिलैक्स हो जाइए। तुम मेरे रिलैक्स होने की फिक्र ना करो और काम पे तवज्जो दो। गुरूर तो इन पैसे वालियों पे खत्म है बस, सभी कुछ होता है कम बख्तों के पास, बस नहीं होता तो खावन नहीं होता पास, और उसकी भीख मांगने के लिए उन्हें हम जैसियों की जरूरत पड़ती है। आखिर किससे दुआ को नौशायबा की जिंदगी से निकालने की बात कर रही थी? मुझे दुआ को इन्फॉर्म करना चाहिए।
रूमी वो बाइक शादी का आया, वो फौरन बुला रहा है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाइए। नजीर साहब ने कितनी आसानी से कह दिया कि घर से निकल जा। इस वक्त ना जाने कहां गया होगा मेरा बच्चा, क्या कर रहा होगा पता नहीं। अम्मी इत्मीनान रखिए, आपकी बात हो ये ना भाई से, कह रहे ना वो आ जाएंगे, तो इत्मीनान रखिए। तो क्या मैं उसका लहजा नहीं समझती? वो वापस आने के लिए नहीं गया, ना जाने कहां होगा मेरा बच्चा। इस लड़की के आने से मेरे बच्चे को बेघर होना पड़ गया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अरे मुझे तो ये डर खा रहा है कि मेरा बच्चा कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हाय हाय, मेरी तो इकलौती जमा पूंजी है, मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं करेंगे, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। आप अल्लाह से खैर की दुआ कीजिए अम्मी, इंशाल्लाह सब सही होगा। अरे खैर तो उस वक्त चली गई थी मेरे घर से जब ये लड़की ब्याह कर आई थी, ना जाने किन लोगों में फंस गया। अरे मैं खड़ी खड़ी थक गई हूँ, फोन तो मिला उसे, पता नहीं कहाँ होगा। अम्मी मेरा बच्चा भाग गया, तू माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं आया ना? अम्मी आपका ख्याल था तो वापस आया, वरना मेरा दिल नहीं था कि मैं वापस आऊं। अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो बहुत पछताता तू। अच्छा चलें बस करें, आप रोना मत। करे भाई आप आ गए। याद आ रही है तुम्हें? अपने भूलते ही कब है? इस तरह अकेले में बैठ के उन्हें याद करके उन्हें से बेहतर है कि उनसे मिला। चलो। नहीं। मैं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती हो? मैं काबिल नहीं, बहुत बुरी हूं मैं। ऐसी बातें करके खुद को तकलीफ मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपका ज़र्फ है जो आप मुझे अच्छा समझते हैं।